हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को पर्व के रूप में मनाया जाता है। रविवार को आषाढ़ी अमावस्या का पर्व मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा के तटों पर स्नान और दान करने के लिए पहुंचे। सनातन धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। पंचांग के अनुसार हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन अमावस्या तिथि पड़ती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को पर्व के रूप में मनाया जाता है। रविवार को आषाढ़ी अमावस्या का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पुण्य स्नान करने के बाद पूजन अर्चन और दान कर धर्म लाभ अर्जित किया। आषाढ़ी अमावस्या है और इसका बड़ा महत्व है। स्नान ध्यान स्नान करने से नर्मदा जी माँ सब पाप हटती है और सबको आशीर्वाद दुआएं मिलती हैं। हम माँ नर्मदा से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ नर्मदा सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। आज हम अमावस्या के दिन स्नान और ध्यान करने आए हुए हैं। मुरादे नर्मदा जी से यही है कि सभी को सुखी रहें, संपन्न रहें, बस यही है। आज आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि है। आज के दिन लोग पवित्र तीर्थों में, नदियों में स्नान करते हुए अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हुए श्राद्ध पूजन करते हैं, जिससे आज का इस अमावस्या का तीर्थों में जैसे अपने गौरीघाट, जबलपुर, नर्मदा नदी में स्नान के साथ साथ अपने पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। आज नर्मदा जी का श्राद्ध अमावस्या है। इसी क्रम में आज हम सपरिवार माँ नर्मदा जी के स्नान और ध्यान पूर्ण करने नर्मदा जी के गौरी घाट तट पर आए हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद भगवान शिव को अर्घ्य देकर नदी किनारे ही पितरों का पिंडदान या तर्पण किया जाता है, जिससे मनुष्य को पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।